मतलब इंडियन बोलते ही सब लोग इतने खुश हो गए, चिल्ला रहे, ये वो कर रहे, हेलो हाउ कर रहे, ची ची या I know. यही है हमारे इंडियन भारतीय बौद्ध धर्म जो 1400 साल पहले यहाँ आए थे और इन्होंने इतने लोगों को कुंफू कराटे सब सिखाया। और इंडिया ऐसा देश है जो कभी भी किधर और जाके लूटपाट चोरी चपाटी ये सब नहीं की है। इस जगह पे इतने टूरिस्ट मिलेंगे, इतने फोटो खिंचाने वाले मिलेंगे, इतनी लोकल पब्लिक मिलेगी, चाइनीज पब्लिक मिलेगी, जिसका कोई जवाब नहीं है। आज के टूर की सबसे खूबसूरत जगह, सबसे खूबसूरत प्लेस, सबसे खूबसूरत नजारा ठीक मेरे सामने। जब भी चाइना ध्यान में आता है ट्रिप करने के लिहाज से तो दो चीज़ें हमेशा दिमाग में आती है। पहला है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और दूसरी चीज़ है शाओलिन टेम्पल विजिट करना चाइना का। जी हाँ, अगर आपने चाइनीज़ मूवीज़ बचपन में या फिर अभी भी देखी है, जैसे कि 36 चैम्बर्स ऑफ शाओलिन टेम्पल, रिटर्न टू 36 चैम्बर्स ऑफ शाओलिन टेम्पल, कुंग फू हसल, ये ने वो ने वो ने, ये मतलब बहुत सारी अमेजिंग चाइनीज़ मूवीज़ है। इनफैक्ट अगर मेरी बात करें तो मैंने तो बहुत देखी और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ ये सब चीज़ का। तो पिछली विजिट जब चाइना की करी थी उसमें एक चीज़ तो मैंने कर दी थी, बीजिंग में जाके द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक्सप्लोर करना, लेकिन ये चीज़ ना मिस कर चुका था, शाओलिन टेम्पल विजिट करना। तो मैंने सोचा कि वापस मैं चाइना का ट्रिप कर रहा हूँ और शाओलिन टेम्पल विजिट ना करूँ, ऐसे हो नहीं सकता ना। तो ये ट्रिप बहुत स्पेशल है, इसका कारण ये है कि आज हम एक स्पेशल एक्सपीरियंस कवर करने वाले, एक स्पेशल जगह जाने वाले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाओलिन टेम्पल, द ओरिजिनल शाओलिन टेम्पल ऑफ चाइना। तो हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो जय जिनेन्द्र एंड वणक्कम। और आज का वीडियो इसीलिए खास, इसीलिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि शाओलिन टेम्पल का अनुभव तो हम करने ही वाले, साथ ही साथ लॉन्ग्स मैन ग्रॉट्स जो कि वन ऑफ द हिस्टोरिक प्लेस है, वन ऑफ द मेन प्लेस इन चाइना है, वो भी हम कवर करेंगे। इस वक्त मैं हूँ ज़ेनजाओ शहर में। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे तो आपको पता है मैं शियान शहर में था, उसको अच्छे से एक्सप्लोर किया। उसके बाद कल ही मैं 2 घंटे की बुलेट ट्रेन जर्नी पूरी करके पहुंच गया था ज़ेनजाओ, जहां से शाओलिन टेम्पल या फिर लॉन्ग्स मैन ग्रॉट्स दोनों नजदीक है। बता दूं कि ज़ेनजाओ शहर ना इतना कोई बड़ा नहीं है, लेकिन सही है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा बहुत हॉस्टल के नीचे के एरिया की ही बात करूं, प्यारा है, सुहावना है। अभी बजे है सुबह के 8 और अभी बस 5 मिनट में मेरे गाइड आने वाले है और ये प्राइवेट टूर रहेगा। 1.5 hours yes. for Shaolin Temple. Yes. Ah, okay. And then 1 hour and a more to Longmen Grotto from Shaolin okay. Temple. So it will be evening when we will come back. Yes. Perfect. What's your name? My name is Mountain. Mountain. Yeah. Ah. It was a small village and a farmland. Ah, this was village and farmland 20 years ago. Yes. ये जो जैंगजाओ शहर है ना, 20 साल पहले यहाँ पे खेती हुआ करती थी और आज देख लो। दुनिया में कुछ कुछ जगह की बात ही अलग है कि 20-30 सालों में काया ही पलट देते। दुबई ले लो, सिंगापुर ले लो, यहाँ ही देख लो, चाइना में काफी सारी सिटीज एकदम काया ही पलट कर दी 20-30 सालों के अंदर। और यहाँ ज़ेनजाओ में जो 2 रात हॉस्टल में बिता रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल हॉस्टल है। रेट की बात करूँ तो 70 yuan लगा है 2 रात का, यानी कि इंडियन करेंसी में हो जाता है 840 rupees फॉर 2 nights। तो हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली पार्किंग साइट पे और बस बाय वॉक हम पहुंच रहे हैं शाओलिन टेम्पल ठीक मेरे सामने। इनफैक्ट स्टैचू भी है मॉन्क का। बता दूं ये पहाड़ों की नगरी है, दांगफोंग नामक एक गांव है। गांव छोटा है चाइनीज के नजरों से, बिकॉज यहाँ की पॉपुलेशन है 6 लाख लोग की, जिसमें से आधी पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स की जो कोने कोने से आते हैं चाइना से कुंगफू सीखने। जी हाँ, मतलब इमेजिन करो कि कितने लाखों बच्चे यहाँ आते हैं एनी टाइम कुंगफू सीखने। इनफैक्ट हम रास्ते से आ रहे थे ना, तो जैसे ही ये गांव शुरू हुआ इतने सारे अगल बगल में गाड़ी से देख रहा हूँ, माय गॉड, कुंगफू स्कूल ही दिखे जा रही है दोनों साइड। और बच्चे इनफैक्ट रोड पे प्रैक्टिस करते हुए भी दिख रहे थे। इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी कुंगफू स्कूल भी इसी गाँव में है, जहाँ एनी टाइम 5000 बच्चे कुंगफू सीखते रहते। बताओ,
सो मेरे जो ड्राइवर साहब है कम गाइड है वो गए हैं मेरी टिकट लेने, मेरा पासपोर्ट लेके। और जो एंट्री का इलाका है यहाँ पे आपको बहुत सारे फोटोग्राफर्स दिखेंगे, लोकल गाइड दिखेंगे जो यू नो टूरिस्ट के पास आते हैं। टूरिस्ट तो मेरे को लोकल ही दिख रहे, कोई भी फॉरेनर दिख नहीं रहे। जितने भी लोग यहाँ आ रहे वो सिर्फ चाइना के है। पासपोर्ट ओके टिकट ओके। अगर यहाँ के टिकट कॉस्ट की बात करूँ, एंट्रेंस फी की बात करूँ, तो वो है 80 युआन अडल्ट के लिए, फॉरेनर के लिए, जो कि इंडियन करेंसी में हो जाता है तकरीबन 960 रुपीस। और ठीक मेरे सामने जैसे ही एंटर कर लिया मेरे को बहुत सारे बच्चे दिख रहे, ये आप देख लो प्रैक्टिस करते हुए कुंग फू। क्या बात है भाई, जोरदार है बच्चे। हेलो हाय नी हाओ नी हाओ। हाँ स्मिता स्मिता स्मिता। हाँ हेलो स्मिता। ओ स्मिता मीन्स ब्रदर, हैंडसम ब्रदर। अरे वाह थैंक यू जी। हर जगह अलग अलग लेवल्स के बच्चे दिखेंगे, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, अलग अलग टाइप के लेवल्स रहते हैं कुंग फू में भी। कुछ साल लग जाते हैं कुछ लेवल्स पार करने में, क्योंकि आपको भी पता है कि कितनी टफ चीज़ है कुंग फू सीखना, और प्रॉपर कुंग फू सीखना हो वो भी ऐसे लोकेशन पे जहाँ पे थुकपट्टी का काम ना हो। आई मीन शाओलिन टेम्पल है यहाँ पे, ऐसा थोड़ी है कि हाँ थोड़ा बहुत सीख लिया और आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिल गया, ऐसा नहीं होता है। इधर तो एकदम प्रॉपर वाला सिखाया जाता है और प्रॉपर वाली ट्रेनिंग होती है। हेलो हेलो ये हेलो वो शे हिंदू रन हिंदू। हिंदू बोलते ही मतलब इंडियन बोलते ही सब लोग इतने खुश हो गए, चिल्ला रहे ये वो कर रहे, हेलो हाओ कर रहे। या इवन आई एम हैप्पी टू सी देम। एक वक्त ऐसा भी था जब ये था दुनिया का सबसे नंबर वन टेम्पल अकॉर्डिंग टू देम। जब मिंग डायनेस्टी था ना आज से 1500 साल पहले, तभी तो इसकी स्थापना हुई है। बौद्ध धर्म जो हमारे भारत से थे वो यहाँ आए थे बिकॉज उनके गुरु की लास्ट इच्छा थी कि वो चाइना जाए और वहाँ पे कुंग फू टीच कराए लोगों को। और ये मैं बात कर रहा हूँ 627 AD जब वो आए थे, यानी कि आज से 3 साल बाद ना एग्जैक्ट 1400 साल पूरे हो जाएंगे। वैसे तो इंटरनेट के लिए मेरे पास ईसिम है आपको पता ही है, लेकिन कभी कभी पब्लिक वाईफाई मिल जाता है तो उसको भी यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन कभी कभी टेंशन आता है उसको यूज़ करने में, हैक होने का टेंशन, क्योंकि आज की तारीखों में हैकिंग इतनी फास्ट होती है, इतनी इजीली होती है। स्पेशली इतने सारे मेरे को मेल्स आते हैं ना कि अगर गलती से भी उनके लिंक पे क्लिक कर दो तो आपका डिवाइस हैक होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए मैं अभी आपको एक प्रोमिनेंट वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ जो जड़ी बूटी का काम करती है टू प्रोटेक्ट योर डिवाइसेस, फिर चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो। मैं बात कर रहा हूँ स्क्वायर एक्स की, जो एक सिक्योरिटी वॉल का काम करती है टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम स्पैम स्कैम्स या फिर हैक होने से बचाती है। फिर चाहे आप ईमेल के थ्रू कुछ मालिशियस फाइल डाउनलोड कर रहे हो या फिर किसी वेबसाइट में जाके गलती से किसी लिंक को क्लिक कर देते हो। तो अभी आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप को सेफ कैसे रखना है, तो जस्ट ऐड स्क्वायर एक्स फ्रॉम देयर लैंडिंग पेज टू योर क्रोम या फिर जो भी आप ब्राउजर यूज करते हो। उसके बाद ऐड टेंशन करना है, फिर पिन करके साइन अप करना है और स्टार्ट कर देना है अपनी लोकेशन डाल के। मतलब बेसिकली स्क्वायर एक्स एक ब्राउजर एक्सटेंशन है, तो जैसे ही आप इसको ऐड करते हो ना अपने ब्राउजर में, और जब भी आप ब्राउजर में जाओगे तो एक और ब्राउजर खुल जाता है, इसका एक और विंडो खुल जाती है। फिर जब भी आप जो भी सर्च करोगे तो इसके थ्रू होगा, और फिर ये आपके डिवाइस को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ना कैश फाइल ये सेव करता है, ना आपकी हिस्ट्री सेव करता है, और ना ही आपकी आईपी एड्रेस का डिटेल्स बताता है। फिर चाहे आप कोई भी कंट्री में क्यों ना हो, मेरी तरह कोई भी पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हो, मेरी तरह बैंकिंग का काम कर रहे हो, या आपके डिवाइस को प्रोटेक्ट रखेगा और आपके डेटा को भी सेफ रखेगा। और सबसे मजे की बात, ये बिल्कुल है फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एक भी पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आपको ऐड करना है और आपका डिवाइस और आपका डेटा प्रोटेक्ट रहेगा। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में ही है, तो बिल्कुल आप स्क्वायर एक्स कंसीडर कर सकते हो टू प्रोटेक्ट योर डिवाइसेस। शाओलिन टेम्पल में जैसे ही आप एंटर करते हो तो सबसे पहले आपको परफॉर्मेंसेस देखने मिल जाती है। हर थोड़े थोड़े टाइम में लाइव परफॉर्मेंसेस, कुंग फू लाइव परफॉर्मेंसेस यहाँ पे होते रहते हैं, और ये भीड़ भी इसीलिए आई है यहाँ पे ताकि के वो लाइव परफॉर्मेंसेस एंजॉय कर सके देख सके। तो ये भाई साहब कुछ तो एंशियंट लिपि में चाइनीज में लिख रहे हैं इस व्हाइट क्लॉथ पे, और फिर दो बच्चे जो है वो सारे लोगों को पढ़ा रहे हैं कि देख लो कितना मस्त लिखा है, ये देखो ये पढ़ लो क्या लिखा है। और उसके बाद इसकी नीलामी होती है, नीलामी का मतलब है इसका फिक्स प्राइस है 300 युआन, यानी कि इंडियन करेंसी में हो गया 3600। और फिर माइक में भाई साहब बोलते हैं कि जिसको खरीदना है हाथ ऊपर करो, तो ये भाई साहब ने अभी जैसे कि हाथ ऊपर किया कि इसको मैं खरीदूंगा, तो ये अभी प्रिपेयर हो रहा है पैकिंग के लिए। वो जो काका थे ना उन्होंने ये ऐसा चौथा लिखा है, मतलब भाई दिस इज बिजनेस, बिकॉज चार बोर्ड ऐसे बनाए, एक बोर्ड का है 300 युआन यानी कि 3412 1200 युआन यानी कि इंडियन करेंसी में 15,000। जी हाँ सिर्फ 5 मिनट में बना दिए इन्होंने 15,000 रुपए।
समथिंग नाइस एक्सपीरियंस एक नंबर. तीन लोगों को बुलाया था कि कोई भी तीन लोग आ जाओ. इन्होंने मेरे को पहले ही कहा था कि जैसे ही बोले भाग जाना. पहले हाथ ऊपर करके चला गया था. बाकियों का पता नहीं, मेरा परफॉर्मेंस एकदम मस्त था ना. जस्ट किडिंग गाइस, मज़ा आ गया क्योंकि थोड़ा वक्त बिताने मिला स्टेज पे स्टूडेंट्स के साथ, कुंफू स्टूडेंट्स के साथ. कुछ कुछ बच्चे तो सच में लाजवाब थे. जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी थी ना, बहुत ही कमाल की थी. In 1928, all of the Shaolin Temple, and this fair lasted for 40 days and nights. You can see what burned. Yeah. 1928. अच्छा, 1928 में काफ़ी चीज़ें जलाई गई थी जिसके कारण फिर रिस्ट्रक्चर किया गया था. इनफैक्ट ये जाड़ को भी नहीं छोड़ा था, जाड़ भी बीच से जल गया है. काला काला भी आप देख सकते हो बीच में. 1500 ईयर्स ओल्ड ट्री, माय गॉड. मैंने 600 साल पुराना ट्री देखा था. अभी हाल ही में राणकपुर विजिट किया था ना, जैन टेम्पल वहाँ पे. लेकिन ये यस आई कैन सी, माय गॉड. 1500 साल पुराना पेड़ जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ बॉस. क्रैक अ फिंगर कुंग फू. One, two, three, man, man, time. Oh my God. ये जो आपको होल्स दिख रहे पेड़ में, ये पता है क्यों है? जब पहले के मॉन्क्स इतने पावरफुल थे कि वो अपने उंगली के प्रैक्टिस करते, मतलब उंगली को इतनी स्ट्रांग बना दी थी उन्होंने कि उंगली से वो क्या क्या कुछ नहीं करते, तो पेड़ में होल्स करने की प्रैक्टिस भी उन्होंने की थी, जिसके कारण आपको ये ट्री में होल्स दिख रहे. आप कह सकते हो मतलब बुलेट पावर है, एकदम गन पावर है उंगलियों में उनके. This word lucky and happy animal. Its name is called Bishi. Bishi? The son of the dragon. The local people always said that when you come here, if you touch the head of Bishi, you will be you will have no worry. No worry. So let me touch his head. And if you touch the back of Bishi, you will be noble. No? Noble. Acha, noble. Noble people, yeah. Noble people. I want to be noble people. And if you touch the teeth of DC, you will have more money. More money. More money. More money. Paisa hi paisa hoga. अभी मैंने मंदिर जी के दर्शन किया और बाहर आ गया वापस, ताकि के आपको बौद्ध धर्म जी की प्रतिमा दिखा सकूं. ये ठीक मेरे सामने आप देख रहे हैं, यही है हमारे इंडियन भारतीय बौद्ध धर्म जो 1400 साल पहले यहाँ आए थे, और इन्होंने इतने लोगों को कुंफू कराटे सब सिखाया, जिसके कारण से कुंफू आज इतना प्रसिद्ध है चाइना में. मंदिर जी के अंदर जाके आप फोटो वीडियो कुछ भी नहीं ले सकते, जिसके कारण मैंने बाहर से ही आपको दर्शन करवा दिए हैं. जूम करके आप देख सकते हो कि बौद्ध भगवान के आप दर्शन कर सकते हो. आए Ni hao. Ni hao. Can I speak Chinese? Mail. A little. Can you speak English? Yeah, of course. I know. So do you live? Wo shi Hindu ren. What's your name, by the way? Yeah, my name is Seven. Seven? Yeah. Seven. My number. Lucky number. Chi. Yeah. I know. So Harbin. 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 So you know? Yeah, I know. Ice festival. Ice city. Harbin Ice City Ice Festival. Yeah. It's over. You know. Yeah, I know everything. Yeah, I know. It's very beautiful. Yeah, I know. Maybe after a couple of years, I will visit again Harbin. Yeah, welcome. I like. Bye, Seven. Bye. Yeah, bye. Bye.
ये देखो बोधि धर्मा जी की मूर्ति, मतलब इनको बहुत मान सम्मान दिया गया है यहाँ पे, हर जगह इनकी मूर्ति दिखेगी आपको. The painting means the 1200 monks worship the Buddha. Okay. Was painted in the Ming Dynasty 500 years ago. 500 to 600 years ago. Yes. Achha, so these have not been burnt. Yeah. The original one. The original one. Achha. The material of the painting is very special. Hmm. So the color of the same monk will change every 50 years. Every 50 years the color changes? Yes. The color. Kya baat hai yaar? Yeah, the color of the clothes of monk. Other side of this room. Oh, monks are other side of this room. Yeah. Now we cannot visit the monks? Yeah, it's forbidden. Forbidden? Yes. Oh, because of tourists? Yeah. पहले इतने टूरिस्ट आते नहीं थे ना, पहले टूरिस्टों के लिए था ही नहीं है, जिसके कारण पहले तो दिख जाते थे मॉन्क्स इधर ही सब प्रैक्टिस करते, अपना मेडिटेशन करते और रहते, बेसिकली अभी भी रहते इधर ही है, लेकिन बिल्डिंग के उस पार रहते हैं, क्योंकि अभी ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया ना, इसीलिए so many tourists, they will disturb their life. Tourists will disturb their life. True. And they believe in meditation and peace. And every very early morning and late, the monks will come back to the temple. Medicine tea. Kung fu tea. सी सी. हाँ, ग्रीन टी जैसा है कुछ, लेकिन मेडिसिनल हर्ब्स का वो टेस्ट आ रहा है. सो बेसिकली ये जो मॉन्क्स है ना, ये हर्बल चाय के साथ साथ मेडिसिन भी बेचते हैं, जो कि हर्बल मेडिसिन है, 1000-1500 साल पुरानी रेसिपी वाली मेडिसिन. मैंने इनको पूछा कि कोई गले के हिसाब से है क्या, क्योंकि जल्दी से मेरा गला पकड़ जाता है और अभी भी मेरा गला थोड़ा पकड़ा हुआ है, कफिंग जल्दी हो जाती है. तो इन्होंने मेरे को ये दिया है कि आप ये शुगर जैसा है, खाओ इसको, इसका रेट है 20 yuan. मैं बोला ले लेता हूँ, 20 yuan मतलब हार्डली 240 rupees होता है, तो ट्राई करने में क्या ही जाता है ना. शिष्य, सो ये बक्से को जैसे मैंने खोला तो छोटी छोटी टॉफीज दिख रही है मेरे को, ये देखो ऐसी कुछ है. विक्स जैसा ही स्वाद है, विक्स चॉकलेट आती है ना, 70% स्वाद उसी का है, 30% थोड़ा सा स्वाद में चेंज है बिकॉज ऑफ डिफरेंट हर्ब्स, थोड़े बहुत डिफरेंट हर्ब्स विक्स चॉकलेट में मिला के खा रहा हूँ, ऐसे ही मान लो. अब ये इलेक्ट्रिक वैन हमें एग्जिट तक छोड़ेगी, फिर हम लोकल रेस्टोरेंट में जाके लंच करेंगे और उसके बाद लॉन्ग मैन ग्रोटर्स. अगर यहाँ की बात करूँ शाओलिन टेम्पल की, तो सच का जितना एक्सपेक्ट किया था ना, उतना कुछ देखने मिला नहीं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोचा था कि भाई मॉन्क्स के साथ ये करने मिलेगा, वो करने मिलेगा. अगर मैं वो स्टेज परफॉर्मेंस नहीं करता, मैं हाथ नहीं उठाता, मैं नहीं जाता, तो सच्ची में पैसा बर्बाद होता, कुछ वसूल नहीं होता. थोड़ा बहुत तो वसूल हो गया, जिसके कारण खुशी है कि इतना भी बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है इस मंदिर का, शाओलिन टेम्पल का. हुलेलाल मीन्स कम बैक. तो ये आ गया हमारा राइस, ये आ गया पोटैटो, पोटैटो और चिल्ली का कुछ तो है भाई. लंच में जितना सोचा नहीं था ना, उससे ज्यादा मिल गया और बहुत यमी मिला, सच कह रहा हूँ. मतलब ये भी बहुत टेस्टी है. इनफैक्ट राइस देख लो कितना खत्म कर लिया मैंने, है ना. ये सूप है, वेजिटेबल सूप विद टोफू, ये भी यमी बनाया इन्होंने. और ये जैसे पनीर चिली होता है ना, यहाँ पे पनीर तो होता नहीं है, दूध का ये लोग बनाते नहीं है पनीर, ये है टोफू चिली. ओवरऑल सही लंच लगा मेरे को. जो शाओलिन टेम्पल में एक्सपेक्ट किया था वो तो मिला नहीं, लेकिन जो लंच में एक्सपेक्ट नहीं किया था वो मिल गया, खाना अच्छा मिल गया. ओके माउंटेन भाई, हाउ फार इज लॉन्ग्स मैन ग्रते? 1 hour more. ओके जय जियान. और ये हम पहुंच गए हैं लॉन्ग मैन ग्रटर्स. अगर एंट्री टिकट की बात करें तो 90 yuan इसका चार्ज है, यानी कि हो गया 1050-1060 rupees इंडियन करेंसी में. बता दूं कि ये जगह क्यों फेमस है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि 1500 साल पुराना यहाँ पे एक मंदिर है, बौद्ध भगवान की प्रतिमा है. वो जो पहाड़ है ना, लॉन्ग मैन पर्वत बोलते हैं उसको, उसी के ढलान में है वो. यहाँ पे भी इन्वेडर्स ने बहुत सारी लूटपाट की है, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, ब्रिटिशर्स हो, जर्मन्स हो, कि कोई भी कंट्री ले लो. जब चाइना आज से 200-250 साल पहले बहुत वीक था ना, तब बहुत से कंट्री
कंट्रीज के लोग आए और लूट के गए यहाँ पे भी पुरानी मूर्तियां वगैरह. सिर्फ इंडियंस ऐसे है और इंडिया ऐसा देश है जो कभी भी किधर और जाके लूटपाट चोरी चपाटी ये सब नहीं की है. गाइड भाई मेरे को यही बता रहे थे. मैंने कहा बिल्कुल ना, हम वॉर स्टार्ट करते हैं ना बैटल स्टार्ट करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए इंडियंस कभी भी शुरुआत नहीं करते. चाइना की सबसे बड़ी रिवर है यांगजी रिवर, सेकंड नंबर बड़ी है येलो रिवर, और ये जो है यी रिवर, ये येलो रिवर में ही मिल जाती है आगे जाके. Needed hundreds of workers work the day and of the night, 20 years. 20 years continuous working here. Yes. To make this. माय गॉड, पहले मशीनें वगैरह होती नहीं थी तो हाथों से ही खुदाई की जाती थी ना सब जगह की. तो भाई साहब वर्कर को 30 साल लग जाते थे ये सब चीज़ें बनाने के लिए, और इस जगह को भी बनाने के लिए काफ़ी समय लगा है. अगर पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की बात करें तो एग्जैक्ट 400 साल लगा, फ्रॉम नॉर्दर्न हुई डायनेस्टी से लेके तांग डायनेस्टी तक पूरे 400 साल लगे ये पूरा लॉन्गमैन ग्रोथस को बनाने के लिए. ये आप बौद्ध भगवान की प्रतिमा तो देख ही रहे हो, लेकिन इस तरफ मैं दिखाऊँ तो छोटे छोटे आपको केव्स दिखेंगे. और ये केव्स कितने पता है टोटल यहाँ पे 2300 से भी ज्यादा. जी हाँ, 2300 से भी ज्यादा छोटे छोटे केव्स है. Amputi, they were stolen. They put no head. No head. We don't know where they are today. Maybe in Japan, maybe in USA, maybe England, France, and so on. कोई भी आके लूट के गया, पता नहीं है इन चाइना के लोगों को भी कि आज की तारीखों में इनके सर या फिर यहाँ पे भी मूर्तियां थी वो गई कहाँ, किसने चुराई है. क्योंकि यहाँ पे इतने लोग आ चुके थे जापान से या फिर इंग्लैंड से या फिर जर्मन से ऑस्ट्रेलिया से. चाइना में पहले बौद्ध धर्म नहीं था, 68 से आया था, यानी कि 2000 साल पहले ही बौद्ध धर्म चाइना में आया था. तभी से लोगों ने यहाँ पे अडॉप्ट किया बौद्ध धर्म को. फिर 1400-1500 साल पहले बोधि धर्मा जी आए यहाँ पे, फिर कुंगफू को अडॉप्ट किया. माय गॉड क्या कार्विंग है, शानदार है, जानदार है, मजेदार है. मेरे को याद आ रहा है हमारे औरंगाबाद में भी सेम ऐसे ही एक मंदिर बनाया गया है पहाड़ को काट के. मतलब मेरे को यही समझ में नहीं आता है बॉस के पुराने जमाने में क्या टेक्नोलॉजी होती है, विदाउट एनी मशीनरी आप इतना ब्यूटीफुल चीजें बना सकते हो. हालांकि बहुत साल लगते थे, सिर्फ इस गुफा को लगे थे 24 साल. जी हाँ, most beautiful one. Yes. That one. Okay. That one. Go ahead. हाँ, it's very big. Yeah. बाप रे, बहुत ऊपर चढ़ना पड़ेगा. लेकिन सही है ना? अच्छी चीज देखने के लिए ज़्यादा ऊपर चढ़ना पड़े, अच्छी मेहनत करनी पड़े, तो चलता है अपने को. परवड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है. आज के दिन की, आज के टूर की सबसे खूबसूरत जगह, सबसे खूबसूरत प्लेस, सबसे खूबसूरत नज़ारा ठीक मेरे सामने. क्या शानदार है, इस जगह पे इतने टूरिस्ट मिलेंगे, इतने फोटो खिंचाने वाले मिलेंगे, इतनी लोकल पब्लिक मिलेगी, चाइनीज पब्लिक मिलेगी जिसका कोई जवाब नहीं है. देश के कोने कोने से आते हैं यहाँ पे इस जगह पे, क्योंकि जगह इतनी निराली है, इतनी पुरानी है, और इनके लिए वंस इन अ लाइफ में आने वाली जगह है. बस अभी वापस यहाँ से रवाना हो जाएंगे हॉस्टल की तरफ, जेंगजाओ शहर की तरफ. 2 घंटा लगाएगी गाड़ी पहुँचाने में. लॉन्गमैंग ग्रोथस बहुत ही शानदार जगह है, मस्ट विजिटेड व्हेनेवर यू कम टू चाइना. ये तो मैं 100% रिकमेंड करता हूँ. अगर टूर कॉस्ट की बात करूँ तो इसका रेट है ना 330 यूरो का, यानी कि इंडियन करेंसी में हो जाता है. जी हाँ, आपने सही सोचा है, 30,000 रुपया. आप बोलोगे कि प्रतीक भाई ने 30,000 खर्चा किया सिर्फ एक दिन के लिए, तो इसका आंसर है नो. बता दूं कि ये मेरा फ्री में स्पॉन्सर्ड ट्रिप था जिसके कारण मैंने ये 30,000 का चूज किया. काफी सारे मेरे को स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स मिल जाते हैं. अब वो कैसे मिलते हैं ये मैंने बकायदा मेरे कोर्स में बताया हूँ, जिसका रेट है 499 प्लस GST. लाइफ टाइम रेट है, ऐसा नहीं कि ईयरली रेट है या फिर मंथली आपको सब्सक्रिप्शन लगेगा, ऐसा कुछ नहीं. एक बार आपने पैसा भर दिया, मैं काफी दफा वहां आता हूँ, लाइव सेशंस करता हूँ जूम के जरिए, आप लोगों के क्वेश्चन सुनता हूँ,
हूँ, उसको आंसर देता हूँ। कैसे आप भी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, यूट्यूबर बन सकते हो, काफी सारे आपको मेरे वीडियोस अंदर मिलेंगे जो मैंने लाइव सेशंस के द्वारा सारी डिटेल्स दी है, मेरी अर्निंग्स कितनी होती है, मतलब बहुत चीजें बताई है। तो वो कोर्स की लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा, ताकि के अगर आपको 500 रुपया खर्चा करके बहुत सारी चीजें जाननी है यूट्यूब के बारे में, ट्रैवल इन्फ्लुएंसिंग के बारे में, तो जरूर एक बार वो कोर्स एनरोल करना। बाकी तो अगर पूरे रिव्यू की बात करूं तो शुरुआत में इतना मजा नहीं आया शाओलिन टेम्पल को देखकर, फिर लंच करते करते मीडियम मजा आया, फिर भाई साहब यहाँ पे बहुत जोरदार मजा आया, मतलब दिल खुश हो गया जी, क्या जगह है। और देख लो सामने रिवर, ई रिवर का नजारा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी यहाँ से हम रवाना ही हो रहे जंगजाओ की तरफ, और कल ट्रेन पकड़ के चला जाओगे शंघाई। आगे आने वाले वीडियो आपको शंघाई सिटी के मिलेंगे, जो कि मेरे लिए भी पहली बार एक्सपीरियंस होगा, और वो चाइना की सबसे बेस्ट सिटी भी मानी जाती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग्स में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। यू ही बने रहिए। ये कैसा ड्रेस है भाई, हैं, जोरदार है।